दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, दुर्गा पूजा को लेकर 12 से 15 अक्टूबर तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। डाक बंगला चौराहे से कोतवाली तक नहीं चलेगी गाड़ियां। जी हां, दुर्गा पूजा के दौरान 12 से 15 अक्टूबर तक राजधानी की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। मालवाहक और यात्री वाहनों का परिचालन शहरी क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दानापुर से अशोक राजपथ पर बड़े वाहन नहीं आएंगे। ये वाहन दानापुर कैंट से सगुना मोड़ होते हुए खगोल दानापुर स्टेशन जा सकेंगे। दानापुर स्टेशन से बिहाटा की तरफ जाने वाले वाहन नेवरा होते हुए जाएंगे। वही एसपी वर्मा रोड कोतवाली थाने के पूर्व टाइन वाच मोड़ से सिन्ना लाइब्रेरी मोड़ और छज्जू बाग तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा पटना म्यूजियम के चारों तरफ के मार्ग और बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी से पटना म्यूजियम तक के वाहनों की पार्किंग वर्जित है। किसी भी वाहन का परिचालन अदालतगंज से आयकर गोलंबर की ओर नहीं होगा। सभी वाहनों को आर ब्लॉक चौराहे की ओर किया जाएगा। इसके अलावा भट्टाचार्य चौराहा पटना जंक्शन और स्वामी नंदन तिराहा की ओर से डाक बंगला की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। डाक बंगला चौराहे से कोतवाली तक दोनों पलकों में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। वहीं पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने वाले छोटे वाहन गोरिया टोली चौक से एग्जीबिशन रोड होते हुए जाएंगे और इसी मार्ग से आएंगे। बिहार में 180 दिन बाद मौसम 24 घंटे तक पूरी तरह से शुष्क, 14 अक्टूबर तक गर्मी का अलर्ट। जी हां, बिहार में 180 दिन बाद मौसम पूरी तरह से शुष्क होने के कारण अब राहत के लिए पश्चिमी हवा का इंतजार है। पश्चिमी हवा के रुख से ही मौसम में बड़ा परिवर्तन होगा। मौसम विभाग ने राज्य में 14 अक्टूबर तक गर्मी की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के शिफ्ट होने से बारिश नहीं हो रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक गुलाबी ठंड का अनुमान है। बड़ी खबर, बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब करनी होगी पढ़ाई। दिसंबर से जुर्माने के साथ एक घंटे की लगेगी क्लास। जी हां, बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पढ़ाई करनी होगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने सहित यातायात के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी। प्रशिक्षण लेने के बाद ही वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस सहित गाड़ी के अन्य कागजात मिलेंगे। अभी ऐसा सिर्फ राजधानी पटना में है। परिवहन विभाग पूरे बिहार में इसका विस्तारित करने जा रहा है। तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में 14 जनवरी 2020 को 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर सुधारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सुधारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रशिक्षण केंद्र में बुलाकर 1.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए परिवहन भवन के ऑफिस में एक विशेष क्लासरूम तैयार किया गया है। अगली बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, अब बिना हेलमेट बाइक की नो डिलीवरी। जी हां, बिहार में बढ़ती बाइक दुर्घटनाओं के मद्देनजर परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल बिहार में बाइक दुर्घटना में मरने वालों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। 2019 से 2021 के आंकड़ों की अगर बात करें तो बिहार में महज 2 साल में 872 लोगों की मौत बाइक एक्सीडेंट में हुई है। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण है बगैर हेलमेट बाइक चलाना। अब इन आंकड़ों के मद्देनजर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि नया टू व्हीलर के साथ ही तय मानक वाला हेलमेट भी शोरूम से खरीदना होगा। बगैर इसके टू व्हीलर की डिलीवरी नहीं होगी। साथ ही अगर कोई डीलर नियमों में कोताही करता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। बड़ी खबर, बिहार के इस जिले में पेट्रोल के बाद अब डीजल ने लगाया शतक, पहुंचा 100 के पार। जी हां, त्योहार के सीजन में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी रहने से लोगों पर इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। पेट्रोल तो पहले से ही 100 के पास था, अब पेट्रोल की कीमत 108.10 हो गई है। लेकिन रविवार को मुजफ्फरपुर में पेट्रोल ने भी शतक लगा दिया, पेट्रोल अब 100.02 हो चुका है। वहीं पेट्रोल पंप पर कर्मियों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
बड़ी खबर, बिहार में नहीं होगा ब्लैकआउट। सीएम नीतीश ने कहा, दूसरे जगह से महंगे दाम में खरीदी जा रही है बिजली, उत्पादन में कमी से हुई परेशानी। देश भर में बिजली की आपूर्ति को लेकर मचे हाहाकार के बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने प्रदेश वासियों को आश्वासन दिया है कि बिहार में बिजली की कमी नहीं होगी। राज्य सरकार दूसरे जगहों से ज्यादा दामों में बिजली खरीद रही है। पिछले दिनों बिजली उत्पादन में कमी आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पटना में जनता दरबार कार्यक्रम के समापन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि ये सच है कि बिहार में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसी के कारण समस्या हुई है। जहां ज्यादा दामों में बिजली बेची जा रही है वहां से महंगी बिजली भी खरीदी जा रही है। पहले से सप्लाई कम हुआ है, विभाग लगा हुआ है, जल्दी परेशानी खत्म की जाएगी। पिछले दिनों 5 दिन में 570 लाख यूनिट बिजली खरीदी गई है जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपया है। बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 12 एजेंडों पर लगी मुहर, किसानों के लिए बड़ा फैसला। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक कल खत्म हो गई। बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसमें किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस साल बाढ़ में फसलों की हुई क्षति के मुआवजे के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपये जारी किया है। साथ ही कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 दिए जाएंगे। इसके भुगतान के लिए सरकार ने 50 करोड़ की राशि का आवंटन आपदा प्रबंधन विभाग को किया है। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 87,26,84,000 की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति के साथ निकासी और व्यय की स्वीकृति भी दी गई है। बड़ी खबर, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को 78 एकड़ जमीन व 336 करोड़ स्वीकृति, नीतीश कैबिनेट का फैसला। जी हां, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार और अतिरिक्त सुविधा वहां बहाल करने के लिए 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को लेकर मुआवजा के लिए 336 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसमें 54 एकड़ में सिविल इंक्लेव का निर्माण होगा, वहीं शेष भूमि में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस सिस्टम के लग जाने के जाड़े के दिनों में कुहासे में भी हवाई जहाज वहां पर उतर सकेंगे। इस तरह सालों पर दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का आना जाना सुविधा पूर्वक हो सकेगा। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड जारी, 25 अक्टूबर तक करेक्शन का मौका। जी हां, बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 के डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए फॉर्म भरा वे बोर्ड की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी डमी एडमिट कार्ड में संशोधन 25 अक्टूबर तक करा सकेंगे। अगर अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आए तो उसे अपने स्कूल के माध्यम से 25 अक्टूबर 2021 तक सही करा सकेंगे। बड़ी खबर, बिहार में होगी जातीय जनगणना, सीएम नीतीश का बयान, उपचुनाव के बाद लेंगे फैसला। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जातीय जनगणना को लेकर कहा कि सभी दल एक साथ बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। राज्य के अंदर इसको लेकर जो कराना होगा वह सबकी सहमति से करेंगे। हम अपनी तरफ से अभी कोई ऐलान करना उचित नहीं समझते हैं। सर्वसम्मति रहेगी तो सब मिलकर लोगों को गाइड करेंगे। विधानसभा उपचुनाव के बाद ही बैठक करेंगे और यह फैसला लेंगे कि राज्य में जातीय जनगणना होगी या नहीं। बड़ी खबर, बरौनी व ग्वालियर के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। जी हां, त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर बरौनी व ग्वालियर के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 01901 ग्वालियर से हर शुक्रवार को सुबह 7:25 में बरौनी के लिए रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 01902 बरौनी से हर शनिवार को सुबह 9:15 में ग्वालियर के लिए रवाना होगी। बड़ी खबर, बिहार में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर महत्वपूर्ण खबर, जिलेवार पद आवंटित। जी हां, सरकार के स्तर से प्रारंभिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली की कवायद तेज हो गई है। यही रफ्तार रही तो नवंबर में बिहार लोक सेवा आयोग को प्रधान शिक्षकों की बहाली संबंधी अधियाचना भेज दी जाएगी। जिलावार पदों की संख्या बात करें तो अररिया में 1327, अरवल में 335, औरंगाबाद में 1093, बांका में 1220,
बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902, भोजपुर में 1139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1424, पूर्वी चंपारण में 1914, गया में 1697, गोपालगंज में 1055, जमुई में 828, जहानाबाद में 547, कैमूर में 612, कटिहार में 1115, खगड़िया में 544, किशनगंज में 812, लखीसराय में 473, मधेपुरा में 810, मधुबनी में 1883, मुंगेर में 536, मुजफ्फरपुर में 1632, नालंदा में 1352, नवादा में 963, पटना में 1984, पूर्णिया में 1354, रोहतास में 1271, सहरसा में 754, समस्तीपुर में 1540, सारण में 1436, शेखपुरा में 247, सीवर में 216, सीतामढ़ी में 1107, सिवान में 1209, सुपौल में 1047, वैशाली में 1112 और पश्चिमी चंपारण में 1639 पद है। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर नियोजनालय में 23 और 26 अक्टूबर को लगेगा जॉब कैंप, आवेदक के लिए यह है जरूरी। जी हां, मुजफ्फरपुर में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय सब मॉडल करियर की ओर से गन्नीपुर स्थित संयुक्त श्रम भवन कैंपस में इसी माह 2 जॉब कैंप लगाया जाएगा। पहला जॉब कैंप 23 अक्टूबर को लगाया जाएगा जो सुबह 11 बजे से शुरू होगा, वहीं दूसरा 26 अक्टूबर को लगेगा। जॉब कैंप में युवाओं को करियर काउंसलिंग की भी सुविधा दी जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए आवेदक को NCS पोर्टल पर निबंधन होना जरूरी है। जो आवेदक अब तक निबंधन नहीं करा पाए हैं, वे नियोजनालय जाकर निबंधन करा सकते हैं। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में बाघ देखना है तो आए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, 15 अक्टूबर से हो रहा है शुरू। जी हां, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खुली वादियां और प्रकृति का सौंदर्य देखने की पर्यटकों की हसरत 15 अक्टूबर से पूरी होगी। 15 अक्टूबर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म सेवा और सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद से आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार के गांवों में बिजली की व्यवस्था सही है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।